नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और उसकी वजह से सब कुछ बंद है, और इसी के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, चाहे वो रेगुलर के हों, एसएल के या फिर एनसीवेप के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल पसोपेश में हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एग्जाम्स का होना क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है इस चीज़ के बारे में। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ बताऊंगा वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर है। 15 अप्रैल 2020 की न्यूज के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहा है कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डीयू ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर ये ऑनलाइन एग्जाम्स होते भी हैं तो वो यूजीसी और एमएचआरडी की परमिशन के बाद ही कंडक्ट होंगे। डीयू का कहना है कि हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम हो तो वो एमसीक्यू के आधार पर हो और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हो, और इसके लिए वो एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं, एक मोबाइल ऐप भी डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से एग्जाम लास्ट ईयर जेएनयू में भी हुए थे, तब जेएनयू में लॉकडाउन था, ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कराया। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स और जो एकेडमिशियंस थे उनके द्वारा अपोजिशन किया गया था। और एक रूमर है जो बहुत ज्यादा बच्चों में फैल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम इस बार लिए नहीं जाएंगे, बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि इस तरह का कोई रूमर ना फैलाए, डीयू की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई है, एग्जाम्स अगर होंगे तो सभी के होंगे। तो दोस्तों, अब ऐसे माहौल के अंदर क्या किया जाए, ये तो था अभी तक का जो भी न्यूज अवेलेबल है। अब ऐसे माहौल के अंदर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए, आपको अपनी स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार सभी पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना वायरस है इसका इलाज मिल सके और जल्दी से सारा माहौल ठीक हो सके। तो जैसे ही इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो तुरंत सारी बॉडीज लग जाएंगी अपने अपने काम को पूरा करने के लिए और अपने बैकलॉग्स को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम फिर जो बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंसर्न बॉडी है वो कभी भी अपने एग्जाम्स रख सकती है। तो आपके पास कोई बहाना इस तरीके से नहीं होगा कि हमने तो तैयारी नहीं की या फिर ये और वो। ऑनलाइन बहुत सारा मैटर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, हो सकता है कुछ समय के बाद खुल भी जाए, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारा ऐसा मैटर अवेलेबल है जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की वीडियोज आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा तो आपको ये सजेशन है कि जो ये आपको समय मिल रहा है, ऑल्दो ये अच्छा समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो जितना हो सके अपनी पढ़ाई को तैयार रखिए, लॉकडाउन खुलते ही मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द सभी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आप और आपके परिवार में सभी कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें, और इस समय का जितना हो सके सदुपयोग कीजिए और अपने एग्जाम्स में बढ़िया कीजिए। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।